नमस्कार, स्वागत है सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो सोने चांदी में हमने कल के मुकाबले आज कुछ गिरावट बनती देखी है, चाहे इंटरनेशनल मार्केट की बात करें या फिर डोमेस्टिक मार्केट की। सोने चांदी की कीमतों में लगातार उठापटक का दौर जारी है। सोना इस वक्त इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर $1923 पर ट्रेड कर रहा है, वहीं चांदी $25 पर। दोनों में ही 0.25% की करेक्शन बनती नजर आ रही है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट यानी MCX पर सोना 51,000 के ऊपर है, लाल निशान पर है। वहीं चांदी 67,000 के ऊपर ट्रेड करती नजर आ रही है, लाल निशान पर। इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट दोनों में ही आज नरमी देखने को मिल रही है। दरअसल डॉलर के तेज होने से और US ट्रेजरी यील्ड में तेजी आने से, रुपये के कमज़ोर होने से और सोने चांदी की सेफ हेवन डिमांड घटने से, इन सब की वजह से, इन सारे फैक्टर्स के मद्देनज़र सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें अभी उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है। सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें अभी एक नरमी देखने को मिल रही है। हो सकता है कि इंट्राडे में सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें ये जो नरमी है वो थोड़ी और गहरा जाए। यहीं से कच्चे तेल की ओर नज़र डालें तो WTI $104 पर 1% की करेक्शन के साथ, ब्रेंट क्रूड ऑयल $108 पर 1% की करेक्शन के साथ। देख रहे हैं कि कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट की ओर है। डोमेस्टिक मार्केट की ओर नज़र डालें तो MCX पर क्रूड ऑयल 7700 के ऊपर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में भी कच्चा तेल 8,000 के नीचे फिसला है, गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल जब से अमेरिका और उसके सहयोगी देश जो हैं, कुछ एक यूरोपीय राज्य हैं और कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जब से अपने कच्चे तेल के स्टॉक से यानी कच्चे तेल के रिज़र्व से कच्चा तेल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है, अपने स्टॉक से कच्चा तेल निकालना शुरू कर दिया है, सप्लाई बढ़ाई है मार्केट के अंदर कीमतों को ठंडा करने के लिए, तब से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनमें हल्की हल्की नरमी आनी शुरू हो गई है। $120 से सीधे अब $100 की रेंज में कच्चा तेल ट्रेड करता नज़र आ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक मार्केट में भी कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनमें नरमी देखने को मिल रही है आज के कारोबारी सत्र में। अभी पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उनमें भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पेट्रोल आज दिल्ली में 100 रुपये के पार जा चुका है, 100 रुपये 21 पैसे पेट्रोल की आज कीमत हो चुकी है दिल्ली के अंदर। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल लगातार तेजी की ओर जाता नज़र आ रहा है, उसकी वजह से उसका असर कहीं ना कहीं भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल में नरमी आने का अभी एक और कारण है, चाइना में लॉकडाउन लगना। चाइना में जब से लॉकडाउन लगा है फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते, उसकी वजह से वहाँ पे कच्चे तेल की जो खपत है फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, वो कम हुई है, जिसका असर सप्लाई पर, जिसका असर कंजप्शन पर पड़ा है। और कच्चे तेल की जो खपत है वहाँ से कम हुई है, इसकी वजह से भी कच्चे तेल की जो मार्केट है अभी थोड़ी डाउन जा रही है। तो अब यहाँ से कच्चे तेल में क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चलना सही रहेगा, निचले स्तर पर खरीदारी में रहें या फिर अभी बिकवाली करते हैं, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। रूपा जी, कच्चे तेल के ऊपर बात करें सबसे पहले तो कच्चे तेल में हमने यहाँ पे गिरावट आती हुई देखी है, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से अमेरिका और बाकी कंट्रीज इन्वेंट्रीज रिलीज कर रहे हैं कच्चे तेल की, और चाइना में लॉकडाउन लगा है जिसकी वजह से खपत घटी है वहाँ पे, तो ऐसे में अगर कच्चा तेल फिर से $100 के नीचे जाता है तो क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है भारत के अंदर, वो उस पर क्या कहीं ना कहीं लगाम लगता नजर आएगा? देखिए, अगर कच्चे तेल की कीमतें घटती हैं तो हो सकता है कि कुछ एक ईज ऑफ आपको पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आता हुआ दिखाई दे, लेकिन बहुत ज्यादा कोई गिरावट की उम्मीद नहीं है पेट्रोल डीजल की कीमतों में। और जहां तक कच्चे तेल की बात है, कच्चे तेल में जरूर डिमांड को लेकर अभी सिनेरियो चेंज हो गया है। और अभी अगर देखा जाए तो OPEC देशों की बैठक भी है थर्सडे को, और उसमें मई के अंदर कैसा प्रोडक्शन रहेगा उसके ऊपर डिस्कशन होना है कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, सप्लाई बढ़े या फिर नहीं। लेकिन अभी फिलहाल जरूर डिमांड से कम होने के चलते हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर प्रेशर है, और कच्चा तेल एक बार $100 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यानी कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको नीचे में $100 तक गिरता हुआ दिखाई दे। जी से रूपा जी, गोल्ड सिल्वर में आपको क्या लगता है? गोल्ड सिल्वर में देख रहे हैं कल के मुकाबले आज और नरमी देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है क्या अभी थोड़ा और रुक जाए निचले स्तर पर खरीदारी करने के लिए?
देखिए बिल्कुल अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखना चाहिए गोल्ड सिल्वर में, क्योंकि अभी जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है ऊपरी सिरों पर एक बार डिमांड जो है वो कम होती नजर आई है, इसी वजह से एक बार प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार $1900 एक अहम सपोर्ट जो है वो गोल्ड में बनता हुआ दिखाई दे सकता है, उसके आसपास आकर मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो अभी थोड़ा सा वेट करें, नीचे में $1880-$1900 ये रेंज फिलहाल बनती हुई दिखाई दे सकती है जी। यहीं से रूपा जी बात करें बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में हमने कुछ नरमी आते हुए देख रहे हैं जब से चाइना में लॉकडाउन लगा है, ऐसे में आपकी बेस मेटल्स पे अब क्या राय रहेगी? देखिए बेस मेटल में भी थोड़ा बहुत प्रेशर जो है इसके चलते बन सकता है, लेकिन अभी भी मैं यही बोलूंगी कि ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो पॉजिटिव है, मार्केट का थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। और जहां तक रूस और यूक्रेन के बीच विवाद देखने को मिला उसका भी असर कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल के लिए हल्की शॉर्ट टर्म में बाजार जो है वो करेक्शन में जाते हुए दिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म सिनेरियो अभी भी काफी पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है जी। रूपा जी नॉन एग्री कम्युनिटीज में टॉपिक्स क्या देने चाहेंगे आप? रूपा जी नॉन एग्री कम्युनिटीज में आप टॉपिक्स क्या देने चाहेंगे जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए अभी फिलहाल लगता है कि नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर कच्चे तेल में थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर आ सकता है, उसके अंदर बिकवाली करके चला जा सकता है। वही सोने के अंदर भी $1880 के लेवल्स के लिए शॉर्ट टर्म में बिकवाली करके चला जा सकता है जी। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की।